नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो में। भाइयों, आरसीबी टीम से जुड़ी कुछ बहुत ही बड़ी अपडेट आ रही है ग्लेन मैक्सवेल को लेकर, इनके नए कप्तान को लेकर। और आरसीबी टीम में आईपीएल 2022 से हमें कौन सा नया ओपनर खेलते हुए दिखाई दे सकता है, इसको लेकर भी बहुत बड़ी खबर आ रही है, जिसके बारे में हम सारी बातचीत जो है आगे इस वीडियो में डिटेल में करने वाले हैं। तो भाइयों, अगर आप भी आरसीबी टीम के फ़ैन हो तो वीडियो को दिल से एक लाइक कर दीजिए। वहीं दोस्तों, हमारे चैनल पर नए हो तो इसे याद से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा, ताकि ऐसी ही डेली अपडेट्स आप तक हमेशा पहुंचती रहे। ओनली आरसीबी के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, अगर उसे ज्वाइन नहीं किए हो तो उसे भी आज से ज्वाइन कर लीजिए। वहां भी आपको आरसीबी टीम से जुड़ी और क्रिकेट की हर एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ लगातार मिलती रहती है। तो भाइयों, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, फटाफट जाइए वहाँ पर, उसे भी ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब ऑक्शन के लिए बहुत ही कम टाइम बचा हुआ है, आने वाले 20 से 25 दिनों के बाद ही आईपीएल 2022 के लिए हमें मेगा ऑक्शन देखने को मिलने वाला है। रिपोर्ट्स की माने तो मेगा ऑक्शन का आयोजन जो है जैन के पहले या दूसरे हफ्ते में होगा। आईपीएल 2022 की शुरुआत अप्रैल के फर्स्ट वीक में हो जाएगी, जिसके बाद जो है आईपीएल 2022 से हमें दो नई टीमों ने अभी अपने अपने खिलाड़ी पिक नहीं किए हैं, पिक कर भी लिए होंगे तो उन्होंने फिलहाल ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं किया है। बहुत जल्द ही इसका अनाउंसमेंट भी घोषित कर दिया जाएगा, दो नई टीमें अपने फ्री पिक्स जो है उसका ऐलान कर देंगी। अब दोस्तों, आरसीबी टीम को आईपीएल 2022 से एक नया कप्तान चाहिए। विराट कोहली ने कप्तानी छोड़ दी है, वह एज अ प्लेयर ही आरसीबी टीम के लिए हमें खेलते हुए दिखाई देंगे, ना कि कप्तानी करते हुए। वहीं दोस्तों, आरसीबी टीम ने रिटर्न खिलाड़ियों की लिस्ट में विराट कोहली, मोहम्मद सिराज और ओवरसीज प्लेयर के रूप में ग्लेन मैक्सवेल को रिटर्न कर लिया है। मैक्सवेल जो है आईपीएल के बाद से खराब फॉर्म में थे, लेकिन मेलबर्न स्टार्स के लिए बीबीएल में खेलते उन्होंने फिलहाल जो है एक शानदार सेंचुरी जड़ दी है और फॉर्म में वापसी का संकेत दे दिया है। इस मैच में मैक्सवेल का तूफान देखने को मिला, जहां पर उन्होंने 57 गेंदों का सामना किया, 103 रन बनाए जिसमें 12 चौके और 3 छक्के लगाए। तूफानी पारी खेल डाली मैक्सवेल ने, वो बीबीएल में मेलबर्न स्टार्स के कप्तान भी हैं और ऐसा कैप्टन जो है उन्होंने ये पारी खेली है। ये सब देखते हुए आरसीबी टीम मैनेजमेंट भी ये डिसाइड कर सकती है कि आईपीएल 2022 में मैक्सवेल भी जो है आरसीबी टीम को अच्छे से लीड कर सकते हैं, और लीड करते हुए अच्छी अच्छी पारियां भी खेल सकते हैं। कप्तानी करने का उन्हें काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस भी है, इसलिए भाइयों ग्लेन मैक्सवेल के रूप में वहाँ पर आरसीबी टीम के पास एक बेहतरीन ऑप्शन होने वाला है कप्तानी करने के लिए। वहीं दोस्तों, आरसीबी टीम से उनके युवा ओपनर पर्टिकल रिलीज हो गए हैं। ऑक्शन में हालांकि एक बार फिर से मौका होगा कि आरसीबी टीम उन्हें खरीद दे, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो इंग्लैंड टीम के दो खतरनाक ओपनर हैं, पहले हैं जेसन रॉय और दूसरे हैं जॉनी ब्रेस्टो। जॉनी ब्रेस्टो तो वहाँ पर तूफानी पारियां खेल चुके हैं, आईपीएल में शानदार प्रदर्शन कर चुके हैं हैदराबाद टीम के लिए, इसलिए ब्रेस्टो जो है आरसीबी टीम के लिए वहाँ पर एज अ ओपनर एक बेहतरीन ऑप्शन होने वाले हैं आईपीएल 2022 से। अगर बाई चांस आरसीबी टीम उन्हें टीम में लेके आती है तो ब्रेस्टो और विराट कोहली दोनों की जोड़ी जो है ओपनिंग में काफ़ी अच्छा रंग ला सकती है। ब्रेस्टो जहाँ पर तेज तदार पारियाँ खेलते हैं, तेज़ी से रन्स करते हैं, वहीं विराट कोहली टिक्कर बल्लेबाजी करते हैं और बड़ी पारियाँ खेलते हैं। तो अगर ब्रेस्टो जो है आरसीबी टीम में शामिल हो जाते हैं तो विराट और ब्रेस्टो की जोड़ी जो है अच्छी रंग ला सकती है आईपीएल 2022 से आरसीबी टीम के लिए। ये थी हमारी कुछ अपडेट्स आरसीबी टीम से जुड़ी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।